मैं अब क्या करूँ, तुम्हें अपने भाई का साथ देना चाहिए, तुम्हें भिखारियों पर तरस खाना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस तरह के सेंटेंस आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, जो डेली रूटीन में आप इनको बोलकर अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ सलमान सर और आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड का उपयोग बताने वाला हूँ। शुड का हिंदी मतलब चाहिए भी होगा, या फिर आप यदि सेंटेंस बोलेंगे तो आपके लास्ट में ऊ या फिर ए भी सुनाई देगा, आप में आपको जो ऊ की मात्रा या फिर ए की मात्रा हिंदी के सेंटेंस में सुनाई देगी। इस तरह से जैसे उन्हें अब चला जाना चाहिए, अब वे क्या करें, मैं उनका साथ दूं, इस तरह ऊ ए या फिर चाहिए आपको सुनाई देगा जब आप शुड के सेंटेंस बोलेंगे। इसका फॉर्मूला कैसा होगा और किस तरह से सेंटेंस हम बनाएंगे, सब्जेक्ट फिर शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ ऑब्जेक्ट। मैं अब क्या करूं, व्हाट शुड आई डू नाउ, तुम्हें अपने भाई का साथ देना चाहिए। यू शुड स्टैंड बाय योर ब्रदर, तुम्हें भिखारियों पर तरस खानी चाहिए। यू शुड पिटी एट बेगर्स, उसे अपने घर की कुताई करनी चाहिए। He should whitewash his house. He should whitewash his house. हमें अच्छा नेता चुनना चाहिए। We should opt a good leader. मैं अब क्या करूं? What should I do now? मैं अब किसके साथ रहूं? With whom should I live? वे कहां जाएं? Where should they go? वहां क्या पढ़े? What should he read? दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ जिनको आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो ये रहे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस।